सर दर्द एक बहुत कॉमन बीमारी है। हर के लाइफ में कभी ना कभी सर दर्द होता ही है। कुछ लोगों की तो हर कुछ दिनों में सर दर्द होती है, कुछ तो हर दिन स्ट्रेस की वजह से सर दर्द में चले जाते हैं। तो आज आपको बताएंगे ये सर दर्द के सबसे कॉमन कारण क्या क्या होता है। देखिए, एक तो ब्रेन के अंदर से हो सकता है। आप जानते हैं यहाँ पे ब्रेन है, इसके हमारे ब्रेन के जो जो स्ट्रक्चर है, बोन का स्ट्रक्चर, उसके अंदर ब्रेन है। अंदर से जो होती है वो सबसे सीरियस होती है। जैसे स्ट्रोक हो जाना, पैरालिसिस हो जाना, थ्रोम्बस आ जाना ब्रेन के अंदर, कोई इंजरी हो जाना, सर पे चोट लग जाना और अंदर ब्लीडिंग हो जाए, उससे सर दर्द होना। अंदर दो तरह की और सर दर्द होती है जिसको हम लोग बोलते हैं माइग्रेन एंड क्लस्टर हेडेक। ये सारे सीरियस टाइप के सर दर्द है, इनका इलाज होना चाहिए। और इसमें एक दो और होती है, मेनिंजाइटिस, ब्रेन के अंदर इन्फेक्शन हो जाना, उसके वजह से सर दर्द। ये बहुत सीरियस किस्म के होते हैं, बट ये कॉमन नहीं है, अनकॉमन है। जो कॉमन सर दर्द के कारण है उनमें से सबसे नंबर वन में आती है तनाव के वजह से सर दर्द। जब भी आदमी को गुस्सा आ जाता है, टेंशन हो जाती है, तो ब्रेन में धप धप करने लगता है और बहुत ज़बरदस्त दर्द होती है। इसको टेंशन हेडेक बोलते हैं। जैसे ही टेंशन गुस्सा ख़त्म हो गया, एक नींद ले लिया और एकदम साफ। टेंशन के बाद नेक्स्ट आती है साइनोसाइटिस। आपने सुना है हमारे यहाँ पे साइनस होता है दोनों ब्रेन के दोनों सामने के तरफ, इसको फ्रंटल साइनस बोलते हैं। दोनों टेम्पल के नीचे साइनस होते हैं, ये एयर पॉकेट्स होते हैं, उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाए तो वहाँ पे काफ़ी सर दर्द होता है। और वो हेडेक यूजुअली सर के सामने के तरफ होती है। एक बहुत कॉमन कॉज ऑफ हेडेक है। एक और कॉमन कॉज है आँख का पावर। अगर आँख के पावर है आपको और आप पढ़ रहे हैं, या बहुत दूर का पावर है और आप देखने का कोशिश कर रहे हैं, तो इससे सर दर्द हो जाता है। बहुत देर तक पढ़ने के बाद सर दर्द हो जाती है। तो ये आँख की वजह से सर दर्द होना, एक साइनोसाइटिस के वजह से सर दर्द होना, एक नाक बंद हो जाना, जुखाम लग जाना, उसकी वजह से भी सर दर्द होता है। वो दर्द अगर एंटी एलर्जिक दवाई लेंगे तो ठीक हो जाएगा। एक कॉमन कॉज ऑफ सर दर्द है हाई ब्लड प्रेशर। अगर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मली आपको मालूम है 120 और 80 होती है, अगर आपका बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर हो जाए तो सर दर्द हो सकता है। 160-170 के बाद सर दर्द हो जाता है, सर में एक भारीपन सा होने लगता है। ये भी एक बहुत कॉमन कॉज है। एक और कॉमन कॉज है वो है डिहाइड्रेशन। अगर आप पानी कम पीते हैं बहुत और आपकी बॉडी से बहुत फ्लूइड निकल जाती है तो सर दर्द होता है। और वो रिहाइड्रेशन मतलब बहुत सारा पानी, जूस ये पिला देने से भी ये ठीक हो जाती है। सर दर्द का एक और कारण है हमारे यहाँ पे सर्वाइकल के वजह से, नेक के वजह से सर दर्द। नेक के यहाँ पे नर्व्स होती है जो ब्रेन में भी जाती है, और वो नेक में कहीं कोई कंप्रेशन हो जाए नर्व के ऊपर तो सर दर्द हो सकती है। और वो सर दर्द यूजुअली इस कंधे में या हाथ में भी जाती है, वो नेक वाली होती है। एक बहुत कॉमन कॉज होता है जो हार्ट के पेशेंट्स को होता है, वो एक सॉर्बिट्रेट नाइट्रेट करके गोली है। आपको मालूम है जब भी कोई को हार्ट में पेन होता है तो हम लोग बोलते हैं एक सॉर्बिट्रेट जीप के नीचे रख लीजिए, सॉर्बिट्रेट गोली है। और ये जीप के नीचे रखा जाता है, इमीडिएटली वो हार्ट में जाती है और हार्ट की ट्यूब्स को चौड़ा कर देता है। उससे एंजाइना जो दर्द होती है छाती में, हार्ट का दर्द, वो ख़त्म हो जाता है उस वक्त के लिए। पर वो टैबलेट 1-2% लोगों की ब्रेन की ट्यूब्स को भी चौड़ा कर देता है और बहुत ज़बरदस्त हेडेक चालू हो जाता है। हमारे बहुत सारे पेशेंट आके बोलते हैं सर वो सॉर्बिट्रेट लेते सर दर्द हो जाता है। तो ऐसे 100 में से 2-4 होते हैं, पर ऐसे होते हैं काफ़ी सारे। तो ये सब है दर्द, सर दर्द का मेजर कारण। कुछ चीज़ें सर दर्द को प्रिसिपिटेट करती है, बहुत जल्दी स्ट्रेस, बहुत जल्दी सर दर्द करवा सकती है। एक है आपका शराब, एक है पुअर पोस्चर। आप एक पोस्चर में बहुत देर तक बैठे हैं, या सर को टेढ़ा करके बैठ गए, या आप टीवी देख रहे हैं टेढ़ा होके, तो सर दर्द एक चालू हो जाता है। लैक ऑफ स्लीप, नींद नहीं आने के वजह से भी हो सकता है, और नींद का जो टाइमिंग बदल जाए तो भी सर दर्द हो सकता है। मैं हर दिन 10 बजे सोने वाला हूँ, मेरे को 1 बजे तक जगा देंगे तो सर दर्द चालू हो सकता है। या कोई 2 बजे तक जगता है हर दिन, उसको आप बोले कि नहीं आज तो 6 बजे तक जगना है, 8 बजे तक जगना है, सुबह तक जगना है, या उसको 10 बजे उठने की आदत है, उसको 6 बजे उठा दिया, सर दर्द चालू हो गई। तो इस तरह से सर दर्द की बहुत, एक और बहुत कॉमन ट्रिगर है कि जो आदमी चाय कॉफ़ी पीता है उनकी चाय कॉफ़ी बंद करा दो तो सर दर्द चालू हो जाती है। ये भी एक बहुत कॉमन चीज़ है।
और अल्कोहल से भी सर दर्द हो जाता है। कोई जो शराब नहीं पीने वाला है उसको शराब सडनली पिला दीजिए, सर दर्द चालू हो जाता है। तो ये सब ट्रिगरिंग फैक्टर माने जाते हैं सर दर्द के। कभी कभी खाना ना खाने के वजह से भी आपने एक टाइम का लंच या डिनर ऑफ कर दिया, उससे भी सर दर्द प्रिसिपिटेट हो जाता है। तो ये सब कॉमन है। सर दर्द हो तो क्या करना चाहिए, एक सबसे हल्का जो दवाई है उसको हम लोग बोलते हैं पैरासीटामोल। वो पैरासीटामोल अगर आप लेंगे तो आधे घंटे के अंदर सर दर्द ख़त्म हो जाती है। और अगर कोई सीरियस टाइप का सर दर्द है जो आप देख रहे हैं कि नहीं हर दिन हो रहा है और ब्रेन के अंदर लग रहा है, तो आपको ज़रूर हॉस्पिटल जाना चाहिए। सर दर्द के संग अगर वॉमिटिंग हो रहा है तो वो सीरियस बात है, तो आपको न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। पर आम जगह ये देखा गया सर दर्द के बहुत कॉमन कॉमन से कॉज हैं जो हमने आपको बताया। तो कोई को भी सर दर्द हो, पहले कॉमन कॉजेज के नाम देखें, फिर डिफिकल्ट वाले का सोचें, और अगर बहुत सीरियस टाइप का लगे तो डिफिकल्ट वाले भी हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। मेरा नाम डॉक्टर बिमल छाजड़ है। मैं हार्ट की बीमारी का इलाज करता हूँ, बिना बाईपास सर्जरी, बिना एंजियोप्लास्टी, हार्ट अटैक को रोकने का काम करते हैं हम लोग। हमारे साउल हार्ट सेंटर ऑल अक्रॉस इंडिया होती है। मैं एज अ हॉबी, मेरे को लगता है कि लोगों को हर बीमारी के बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज देना। तो आज हमने आपको सर दर्द के बारे में बताया। ये बात आप लोगों से ज़रूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।